मैं और पारस ज्वेलर्स मिलके एक्सपो कर रहे हैं, एक वन डे एग्जीबिशन है ये किंग पैलेस पे 2 जुलाई हफ्ते के दिन। फैमिली एग्जीबिशन है जिसमें क्लोथिंग है, ज्वेलरी है एंड बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं और फूड है। काफ़ी नॉन ब्रांड्स हम लोगों ने लिए हैं इस एग्जीबिशन में। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस एग्जीबिशन की ये है कि हमने इसमें एक ड्रॉ, लकी ड्रॉ रखा है जिसमें हमने ये डिसाइड किया है कि एक कपल को उमरा भेजेंगे, पूरा कंप्लीट उमरा पैकेज दिया जाएगा जिसमें टिकट है एंड वीज़ा और होटल का अकोमोडेशन है, ये सब हम लकी विनर को देंगे। और इसके अलावा भी 1 लाख रुपए के गिफ्ट वाउचर्स हम लोग देंगे इसमें जो भी लोग आएंगे। और ये एग्जीबिशन का मकसद ये है कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सेल, हमारा फोकस मेन ये एग्जीबिशन का सेल्स है समझिए। और इसी बस के जो अनस है और हमारे ओएस के हेल्प से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 8 दिन में ये एग्जीबिशन प्लान करके 2 दिन में इंशाल्लाह ये मुनाकिद होगा किंग पैलेस पे बोर्डिंग मॉल का पूर्व पर। मैडम ये एक्सपो के बारे में आप है और हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, हम सिर्फ एग्जीबिशन ही करते। वी आर नोन ब्रांड्स इन हैदराबाद, माशाल्लाह से ज़िबाइश भी काफ़ी नोन है और पारस को तो खैर आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत भी नहीं है। तो हमारा ये मकसद, हमारा एक्सपो ये दूसरे एक्सपो से थोड़ा अलग इसीलिए होगा, इसमें हमने लकी ड्रॉ रख दिया है और गिफ्ट वाउचर्स रखे हैं और हमारा मेन फोकस इस पे सेल्स पे रहा है। और हमने बॉम्बे से और दिल्ली से एंड लखनऊ से, ये तरह तरह के शहर से हमने स्टॉल वालों को इनवाइट किया है और दे आर पुटिंग देयर स्टॉल्स इन आवर एग्जीबिशन आल्सो। नॉन मुस्लिम हमारा भी मकसद जो है ना कि देखिए अभी कैसा होता है, यहाँ पर स्टॉल्स वाले आते हैं, अगर मैं चाहूँ वो जगह इतनी बड़ी है मैं 300 के करीब स्टॉल्स लगा सकता हूँ, लेकिन हम 100 रखेंगे क्योंकि जितने भी स्टॉल होल्डर्स वहाँ पर आएंगे कि वो अपना फायदा करके जाए, वो कुछ अच्छे से सेल करके जाए। और एक चीज़ मैं ये बता दूँ, अब जैसा कि उमरे का है, अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मतलब एक लकी विनर को मिलेगा, सो मतलब बहुत जने पार्टिसिपेट करेंगे नहीं करेंगे, इसीलिए मैं एक और एक चीज़ हम लोग ऑप्शन ये रखे हैं। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे गिव अवेज हैं जिसमें ज्वेलरी गिव अवेज हैं, कैश प्राइजेस हैं एंड ज़ेबाइश की तरफ से जो है ना आपको एक हैवी वर्क ड्रेस है। तो ये सारे गिव अवेज में मतलब लकी ड्रॉस में भी ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर आप लोग आएंगे तो बेहद मज़ा आएगा, बच्चों के लिए जो है ना खेलने की चीज़ें हैं, सारे जायकेदार खाने हैं, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। नॉट इवन दिस, जो कॉमेडी एक्टर्स मतलब हैदराबादी यूट्यूबर्स आने वाले हैं जिसका नाम दी बैगन माइंस है, तो वो लोग भी शायद एंटरटेन करेंगे और सेल्फी वगैरह का भी सेशन चलेगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए और इसमें क्या होगा, दोनों तरफ का फायदा होगा, जैसे कि स्टॉल होल्डर्स का भी फायदा होगा और जितने लोग आएंगे उनका भी फायदा होगा इंशाल्लाह। टाइमिंग इतनी कब की रखे? टाइमिंग देखिए अभी कैसा है, हैदराबाद में तो आप लोग को मालूम है यहाँ पर थोड़ा सा लेट उठते हैं लोग। हमारा जो स्टॉल का सेटअप है वो 11 o'clock से रेडी रहेगा, स्टॉल होल्डर्स वहाँ पर आ जा सकते हैं 11 बजे से। अब उसके बाद जो है ना अभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए फंक्शन हॉल जब तक ओपन रहेगा तब तक वो लोग रन कर सकते हैं। एक्चुअली शॉपिंग जो स्टार्ट होती है 2-3 o'clock के बाद ही होती है। जी हाँ जी हाँ, अपने लोगों के पास कैसा है जोहर की नमाज के बाद ही लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन हमारी साइड से तो 11 बजे से रेडी रहेगा। ओके थैंक यू।